हेलो दोस्तों, टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लेकर संजय मांजरेकर ने दिया चौंकाने वाला बयान। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का चयन हो गया है। टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और दिनेश कार्तिक भी हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्ले 11 में किसे जगह मिलेगी। हार्दिक पांड्या बाहर नहीं होंगे, दिनेश कार्तिक और रविंद्र जडेजा में जंग छिड़ेगी। इस बीच कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने बड़ा बयान जडेजा की प्ले 11 में जगह को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि शायद उन्हें टीम में जगह नहीं मिलेगी। संजय मांजरेकर इससे पहले भी कई बार जडेजा को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। कई बार तो जडेजा ने मांजरेकर का जवाब दिया है, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। संजय मांजरेकर ने कहा, जडेजा अगर ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं तो उन्हें साबित करना होगा कि वो छठे और सातवें नंबर पर दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या से अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। वहीं बॉलिंग ऑलराउंडर टीम इंडिया में वो खेलेंगे तो उन्हें टीम मैनेजमेंट को यह साबित करना होगा कि वो अक्षर पटेल से बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, अब सवाल उठता है कि टीम में रविंद्र जडेजा गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे या बल्लेबाज ऑलराउंडर के रूप में। वैसे मांजरेकर ने जो बयान दिया है उसका पर्दाफाश एशिया कप में हो जाएगा, या तो कार्तिक को खिलाया जाएगा या फिर जडेजा का नंबर आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और आप बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।